हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हम जब कभी भी किसी इविल नन की बात करते हैं तो हमारी जबान पे सबसे पहले द कॉन्जुरिंग 2 में दिखाई गई नन वलक का नाम ऊपर आता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, वलक का कॉन्जुरिंग 2 की सच्ची घटनाओं से कोई भी संबंध नहीं है और इस कैरेक्टर को डायरेक्टर जेम्स वॉन और लॉरेन वॉरेन ने मिलकर बनाया है। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड के इतिहास के पन्नों में एक ऐसा केस देखने को मिलता है जहां एक लड़की की आत्मा थ्रेड नीडल स्ट्रीट पे घूमती है और लोग इसे द ब्लैक नन भी बुलाते हैं। तो आखिर कौन है ये ब्लैक नन और क्या इसकी कहानी बिल्कुल सच्ची है? ये सब हम और आप मिलकर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये बात 19वीं शताब्दी के शुरुआत की है जब फिलिप व्हाइटहेड नाम का एक इंसान बैंक ऑफ इंग्लैंड के कैशियर्स ऑफिस में काम करता था। ये बैंक लंदन के थ्रेड नीडल स्ट्रीट पे स्थित थी और फिलिप इस बैंक में एक बहुत ही अच्छे पद पे काम करता था। सन 1811 में फिलिप को बैंक में हुए कुछ घोटाले में पकड़ा गया और उस पर चोरी और जालासाजी जैसे कई आरोप लगे। उन दिनों इन अपराधों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया जाता था और ऐसे अपराधों के लिए अपराधी को सजाए मौत होती थी। फिलिप को अपने अपराधों की वजह से कई ट्रायल से गुजरना पड़ा और सन 1812 के पहले महीने में ही उसे मौत की सजा सुनाई गई। फिलिप की एक बहन भी थी जिसका नाम सारा था और उसे फिलिप के इन लीगल इश्यूज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिलिप ने अपने डेथ सेंटेंस से पहले सारा को बोला कि वो अपने बैंक के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। फिलिप के मौत के बाद सारा ने कुछ दिन तक इंतजार किया, लेकिन उसके वापस न आने पर वो सीधा बैंक चली गई। बैंक पहुंचकर उसने वहां काम कर रहे कर्मचारियों से अपने भाई फिलिप के बारे में पूछा। वहां कोई भी सारा को ये नहीं बताना चाहता था कि फिलिप अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उन्होंने भी सारा को वही झूठ दोहराया कि वो बैंक के काम को लेकर शहर से बाहर गया है। सारा ने उनकी बात मान ली, लेकिन अगले ही दिन वो वापस बैंक आई और लोगों से अपने भाई का पता पूछने लगी। सबने फिर से वही झूठ बोला और सारा रोज बैंक आकर लोगों से अपने भाई का पता पूछने लग गई। वो रोज एक काला वस्त्र पहनती थी जिसमें सर को ढकने के लिए काले रंग का आवरण भी था। इन कपड़ों में वो एक नन की तरह दिखती थी। सारा का बैंक आना जाना कई दिन तक लगा रहा और थक हार के एक दिन किसी बैंक के एम्प्लॉय ने सारा को सच बता दिया कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है और उसे मौत की सजा हुई थी। सारा इस सच्चाई को जानकर मानो बिल्कुल टूट सी गई और उसका इंस्टेंट मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। वो थोड़ी पागल सी हो गई और उस दिन के बाद भी वो रोज उसी काले कपड़े को पहनकर बैंक आती थी और सभी से अपने भाई का पता पूछती थी। कई लोग तो उसे पागल भी समझने लगे, लेकिन बैंक में काम कर रहे लोगों को सारा की हालत पे बहुत ही दया आती थी और वो लोग इसे कुछ पैसे देकर हमेशा मदद किया करते थे। आसपास के लोग सारा के वेशभूषा को देखकर इसे द ब्लैक नन पुकारने लगे, लेकिन धीरे धीरे सारा की आदतों में बदलाव आने लगा। वो अब बैंक के लोगों से लड़ाइयाँ करने लगी थी और सबसे पैसे मांगती थी। पैसे ना देने पे वो लोगों को खड़ी खोटी सुनाती थी और बैंक में रोज कोई नया तमाशा खड़ा करती थी। इन हालतों को देखकर वहां के गवर्नर ने सारा से एक सेटलमेंट की जिसके तहत बैंक उसे आजीवन हर महीने कुछ स्टाइपेंड या पैसे देगी, बदले में वो इस बैंक में दोबारा कभी नहीं आएगी। गवर्नर ने पैसे देने का इसलिए सोचा क्योंकि उन लोगों ने कई दिनों तक सारा से उसके भाई के मौत की सच को छुपाया था और उन्हें इस बात का बहुत ही पछतावा था। सारा ने इस बात को मान ली और इसके बाद से वो कभी दोबारा इस बैंक के आसपास तक नहीं दिखी। इस घटना के तकरीबन 30 साल बाद सारा की प्राकृतिक मौत हुई और उसके शरीर को उसी बैंक के पीछे दफनाया गया। लेकिन इस घटना के ठीक 7 दिन बाद सारा को कुछ लोगों ने वापस बैंक के पास देखा। वो बैंक के अंदर भी गई, लेकिन जब कुछ लोगों ने उसे अंदर तक फॉलो किया तो वहां कोई भी नहीं था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद सारा वापस से रात में थ्रेड नीडल स्ट्रीट पे घूमती पाई गई। वो लोगों से बार बार अपने खोए हुए भाई के बारे में पूछ रही थी। शुरुआत में शहर के पुलिस को लगा कि शायद कोई जानबूझकर वैसे कपड़े पहन लेता है और लोगों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात गलत निकली क्योंकि कई लोगों ने उसे अपनी आंखों के सामने से गायब होते हुए भी देखा। हद तो तब हो गई जब सारा व्हाइटहेड को एक बार अमेरिकन यात्रियों ने देखा जिनको इन कहानियों के बारे में कुछ नहीं पता था।
उनका कहना था कि द ब्लैक नन उनसे अपने भाई का पता पूछ रही थी और जब उन्होंने इनकार किया तो वो उन पे जोर से चिल्लाई और हवा में मानो जैसे गायब हो गई। उन गलियों से गुजरने वाले कई लोगों ने बताया कि उन्होंने सारा व्हाइटहेड को देखा है और सारा किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपने भाई का पता पूछती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के थ्रेडनीडल स्ट्रीट के पास एक अंडरग्राउंड स्टेशन है जहां सारा को कई बार देखा गया है। इस जगह की अपनी एक इतिहास है जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कई लोगों को टनल के अंदर छुपाया जाता था, लेकिन इस जगह पर सन 1941 में जर्मनी के द्वारा बॉम्ब गिराई गई थी और उस हादसे में तकरीबन 19 सिविलियन मारे गए थे। लोगों का कहना है कि अगर उस जगह पर आपको सारा दिखती है तो वो काफी गुस्से में रहती है और लोगों पर चिल्लाती भी है। इसके अलावा जब आप उस स्टेशन पर जाएंगे तो आपको थोड़ा डर सा लगेगा और आप निराश से हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस जगह पे कई दूसरी आत्माएं भी हैं जो कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में मरे हुए लोगों की है और उन आत्माओं से प्रभावित होकर सारा वॉयलेंट हो जाती है। आज भी अगर आप थ्रेडनीडल स्ट्रीट पर रात को घूमने जाएंगे तो चांसेस है कि आपसे द ब्लैक नन अपने भाई का पता पूछेगी। तो दोस्तों, ये थी द ब्लैक नन से जुड़ी कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक पहुंचाई है। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि क्या आप इस ब्लैक नन की कहानी में भरोसा रखते हैं और क्या आप द थ्रेडनीडल स्ट्रीट पर जाकर इससे बातें करना चाहेंगे? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट्स में ही पूछ लें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करें और उस ऐप के सजेशन बॉक्स के जरिए अपने सुझाव को हम तक डायरेक्टली पहुंचाएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं।